सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाहजेब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करने वाले हैं बेंटअप बार के बारे में। तो जिस तरीके से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बेंटअप बार्स और चेयर बार्स में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इसमें। तो चेयर बार्स जो है, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि आपकी जो चेयर बार्स लगती हैं वो डबल मैश फुटिंग या डबल मैश आपका स्लैब या फिर आपकी राफ्ट फाउंडेशन में दो आपकी मैश के बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। लेकिन जो आपकी बेंटअप बार्स हैं उसका काम क्या है? तो बेंटअप बार्स जो हैं आपकी, वो आपके नेगेटिव जो आपका बेंडिंग मूवमेंट है उसको रोकने के लिए, उसको रेजिस्ट करने के लिए आपकी बार्स यूज़ की जाती हैं। यानी कि आप देखते हैं कि अगर आपका कोई इस तरीके से कोई भी आप एक हॉरिजॉन्टल कोई पार्ट रखते हैं उस पर बीच में लोड लगाएं तो वो क्या होगा कि बीच में से डाउन जाएगा, बाकी दोनों साइड से उठेगा। इस तरीके से मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से आप यहाँ से अगर बीच में से लोड लगाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि बीच में से वो नीचे जा रहा है और दोनों साइड से ये ऊपर आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए, इसको रोकने के लिए आपकी जो बार्स हैं वो बार्स आपकी कहलाती हैं बेंटअप बार्स। बेंटअप बार्स आपकी बीम में भी यूज़ की जाती हैं और बेंटअप बार्स आपकी स्लैब में भी यूज़ की जाती हैं। अब बेंटअप बार्स आपकी किस तरीके से दिखेंगी वो यहाँ पर आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। ये सारी आपकी बेंटअप बार्स हैं। तो इस तरीके से ये आपकी स्लैब और बीम दोनों के केस में यूज़ की जाती हैं। इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है वो आगे हम देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो क्लास तक। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका शेप कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, ये आपकी बार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरीके से जा रही है, फिर यहाँ पर ये इंक्लाइंड पोर्शन है इसका, उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल जाता है, फिर इंक्लाइंड होता है और फिर ये इस तरीके से कंटिन्यू चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये बेंटअप बार्स हैं। तो बेंटअप बार्स दोनों ही बीम और स्लैब दोनों के केस में यूज़ की जाती हैं। तो ये आपकी जो है वो जब आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, आपकी नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट बन रहा है, उसको रेजिस्ट कर रही है, यहाँ पर रोक के रख रही है उसको। और ये स्टील की क्वांटिटी भी, यानी कि अगर स्लैब है तो आप डबल मैश से भी बच सकते हैं, बेंटअप बार आप इसमें इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली, दूसरे व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर आपकी बेंटअप बार्स कैसे लग रही है। देखिए ये सीधी आ रही है, इसके बाद ये ऐसे डाउन आएगी और फिर यहाँ पर ये सीधी आएगी, फिर इसके बाद ये यहाँ से उठेगी ऐसे और फिर ये आगे जाएगी ऐसे, ठीक है। सेक्शन में आप देखेंगे तो सेक्शन में आपको यहाँ पर ये इस तरीके से दिख रही है। ये देखिए आपको सेक्शन दिख रहा है, ये ऐसे यहाँ ये बेंड होगी, यहाँ पर ये सीधी आएगी, इसके बाद ये ऊपर उठेगी, फिर बीम में जाएगी और फिर यहाँ पर बेंड हो जाएगी। इस तरीके से आपकी ये बेंटअप बार्स लगती है। यानी कि जो नाम है इसका बेंटअप, वही इसका शेप भी है, बेंट करके हम इसको लगा रहे हैं। इसको क्रैंक बार भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग इसको क्रैंक बार के नाम से भी जानते हैं। क्रैंक और बेंटअप एक ही चीज़ है। अब हम देखते हैं इसकी कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे। तो नंबर्स जो है वो तो आपको निकालने रहते हैं। अगर स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब में आपको स्पेसिंग से नंबर्स निकालने पड़ेंगे। अगर बीम की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको नंबर्स ऑलरेडी दे रखे होंगे, लेकिन मेन चीज़ है जो इसकी कटिंग लेंथ, वो हम कैसे निकालेंगे। तो कटिंग लेंथ की हम यहाँ पर बात करते हैं, कटिंग लेंथ हम कैसे इसकी निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पर देखा है, आप लोग सब बहुत सारे लोग जानते होंगे इस फार्मूले को, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे बन रहा है। तो इसका जो फार्मूला है बेंटअप बार कटिंग लेंथ का, ठीक है, बेंटअप बार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और उसकी कटिंग लेंथ के फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बेंटअप बार की कटिंग लेंथ के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, कैसे हमें कैलकुलेट करना है, किस फॉर्मूले से हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लेंगे 2LD, यानी कि जो आपकी बार है वो दोनों साइड बीम में जा करके बेंड हो रही है। तो उसके लिए आपको LD, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है, जो आपको ड्राइंग में दे रखी होगी, वो आपको लेनी है LD। तो यहाँ पर आपको दो साइड LD लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे 2 × LD, यानी कि आपकी डेवलपमेंट लेंथ, ये सबसे पहले आप ले लेते हैं 2LD, यहाँ पर आपने ले लिया, ठीक है। 2LD लेने के बाद यहाँ पर आप प्लस करेंगे और यहाँ पर आप लेंगे क्लियर स्पान, ठीक है। आपने क्लियर स्पान लिया और ये मैं अभी आपको बताऊंगा LD कहाँ पर आ रहा है, क्लियर स्पान कहाँ पर आ रहा है। और प्लस आप यहाँ पर लेंगे 0.42D और इसको भी आप लेंगे दो बार, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर स्पान प्लस 0.42D, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने इसको दो बार लेने के लिए। और इसके बाद यहाँ पर होगा माइनस, माइनस क्या होगा आपका, दो जगह 90 डिग्री बेंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप लेंगे 2 × 2D और चार जगह आपका हो रहा है यहाँ पर 1D, तो 4 × 1D, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसा है अब मैं इसको आपको समझा देता हूँ कैसे आप इस फॉर्मूले से कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका LD कहाँ से आ रहा है। तो ये जो है आपका, जो आपकी बार जब अंदर एंटर करेगी बीम में, यहाँ से, यहाँ से बीम में इसने एंटर किया और ऐसे आकर के बेंड हो रही है, तो ये आपका LD, ये आपका LD,
दोनों साइड आपका एलडी आ गया, ठीक है। 0.42 डी जो ले रहे हैं वो हम यहाँ पर ले रहे हैं इस पोर्शन के लिए, दोनों जो इंक्लाइंड पोर्शन है उसके लिए 0.42 डी। ये कैसे आ रहा है इसको मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। क्लियर स्पान जो है वो यहाँ पर आ रहा है आपका, ये आपका क्लियर स्पान है, मतलब कि दोनों बीम के अंदर वाले फेस से जो दूरी है वो आपकी क्लियर स्पान है, ठीक है। और बैंड लॉस कहाँ कहाँ आ रहा है तो आप यहाँ पर देखिए, जो आपका बैंड लॉस आएगा 90 डिग्री यहाँ पर आएगा दो जगह, एक इस एलडी में आ रहा है, ठीक है, एक इस एलडी में आ रहा है। अगर डायरेक्टली एलडी दे रखा है तो ये आप 90 डिग्री फिर नहीं लेंगे, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं एलडी तो फिर आप यहाँ पर 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि एलडी जो डायरेक्टली ड्राइंग में दे रखा होता है उसमें आपको बैंड लॉस माइनस नहीं करना रहता है। और आपका यहाँ पर दे रखा है ये 45 डिग्री का बैंड, तो यहाँ पर आपका 1D होगा, यहाँ पर आपका 1D होगा और एक आपका यहाँ पर 1D होगा, चार जगह आपका 1D, ठीक है। 45 डिग्री पे जब बैंड करेगी तो 1 × डायमीटर ऑफ बार आपको माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत इजीली समझ में आ गया कि एलडी कैसे आ रहा है, 0.42D की बात कर रहा हूँ आप, मैं 0.42D में आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये, ठीक है। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसको। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी 0.42D कहाँ से आया, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बना देते हैं। ये इस इंक्लाइंड पोर्शन को हम निकाल रहे हैं, ये 0.42D रहेगा हमेशा, लेकिन कैसे रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमने अभी इसको मार्क कर दिया और यहाँ पर हम बना देंगे एक ट्राइंगल, ट्राइंगल की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल की हेल्प से, तो यहाँ पर हम बना देते हैं एक ट्राइंगल, इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल हमने जब बनाया यहाँ पर तो हमें दो एंगल पता है इस ट्राइंगल के, एक तो है आपका 90 डिग्री का और एक है आपका 45 डिग्री का। 90 डिग्री तो ये आ रहा है एंगल और 45 डिग्री पर हम बेंड कर रहे हैं, तो दो एंगल हमें पता है 90 डिग्री और 45 डिग्री। लेकिन अगर हम सम करें, अगर किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को सम करते हैं, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, तो ये आपका कितना आता है, ये आपका आता है 180। लेकिन अभी यहां पर हमें एक एंगल नहीं पता, ये जो ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है वो हमें नहीं पता है कितना आ रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले 180, ठीक है, और 180 में से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर 180 में से जो हमें एंगल पता है, ये आपका 90 डिग्री है नीचे और ये आपका 45 है, यानी कि हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, -90 -45, तो हमें कितना मिलेगा फिर से 45, तो ये हमें मिलता है 45 डिग्री, यानी कि इसमें दो 45 डिग्री एंगल है और एक 90 डिग्री एंगल है, यानी कि ये जो आपका ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका सी पॉइंट है, तीन हमने यहाँ पर बना दिए। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हम ए से बी की बात कर रहे हैं, बी से सी और सी से ए, इस तरीके से ए से बी, बी से सी और ए टू सी, हमें निकालना है ए टू सी। अब जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो एंगल हमारे पास थे 90 डिग्री 45 डिग्री पे, हमने बेंड किया, 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बन रहा है जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है वो भी 45 का है, तो दो एंगल जब 45 हो गए तो ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। और जब राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो इसका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है इसका वो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि ए टू बी और बी टू सी दोनों सेम रहेंगे। लेकिन आपके पास ए टू बी भी नहीं है, आपके पास बी टू सी है। बी टू सी कैसे है आपके पास, इसको मैं बता देता हूँ। बी टू सी आप कैसे निकाल सकते हैं, आप लेंगे यहाँ पर स्लैब की थिकनेस, जो कि आपको दे रखी है यहाँ पर 200 mm, स्लैब की थिकनेस आपको यहाँ दे रखी है 200 mm, ठीक है, ये आपकी स्लैब की थिकनेस, बीम की डेप्थ मत मानना है, ये स्लैब की थिकनेस है, यहाँ से ये दिखा रहा है इस पॉइंट से स्लैब की थिकनेस है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बी टू सी कितना आएगा, बी टू सी हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लैब की थिकनेस 200 mm लेंगे, इसमें से दोनों साइड कवर माइनस करना पड़ेगा हमें, -20 और -20, ये हमने कवर माइनस कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ये 160 mm, स्लैब का कवर 20 mm का हमने माइनस किया तो यहाँ पर हमें मिला ये 160 mm। अब जो 160 mm आया वो सेम रहेगा ए से बी, ए से बी आपका सेम रहेगा 160, तो आपके पास बी से सी आ गया और ए से बी आ गया आपका, ठीक है, ये आपने यहाँ पर निकाल लिया। तो इसको हम जो मान रहे हैं यहाँ पर, जो हमने स्लैब की थिकनेस ली है उसको हम मान रहे हैं ये हमारा डी है, इसको हम मान रहे हैं डी, क्योंकि ये डी जो है आप डेप्थ मान सकते हो या टी मान सकते हो, थिकनेस, ठीक है, बीम की डेप्थ अगर बीम में निकाल लो तो डी ले लो, अगर स्लैब में निकाल लो तो टी मान लो इसको, तो ये हमने मान लिया यहाँ पर कि ये डी है, ठीक है। और ये हम निकाल रहे हैं इसमें
बीम में निकाल रहे हैं तो हम इसको डी मान के चल रहे हैं और ये भी हमने मान लिया डी। तो ए से बी और बी से सी जो है हमारा वो डी और डी आ रहा है, ठीक है, डी और डी। अब यहाँ पर हम निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको, आप निकालेंगे ट्रायंगल वाले फॉर्मूले से यानी कि पाइथागोरस से। तो आपके पास ए से बी और बी से सी, आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेंगे फॉर्मूला, ठीक है, आपको ये निकालना है तो आप लेंगे ए टू सी का स्क्वायर, आपने लिया यहाँ पर ए टू सी का स्क्वायर, ठीक है, आपने ए टू का सी का स्क्वायर लिया और यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर लिया ए से बी का स्क्वायर, ठीक है, ए से बी का स्क्वायर लिया यहाँ पर हमने और प्लस यहाँ पर हमने लिया बी से सी का स्क्वायर, ठीक है, बी टू सी का स्क्वायर। थोड़ी सा कैलकुलेशन लंबी रहती है इसकी, ए से बी का स्क्वायर और बी से सी का स्क्वायर ये हमने लिया यहाँ पर। अब ए से बी और बी से सी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारे पास है, ए से बी जो है वो डी आ रहा है तो डी का स्क्वायर और प्लस बी से सी जो है वो भी डी है तो यहाँ पर आपका डी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया, ये आपका आएगा टू डी स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने लिया टू डी का स्क्वायर, ये आपका टू डी का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये है आपका ए से सी का स्क्वायर, ये आपका ए से सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जब स्क्वायर हटाओगे, मतलब कि अभी आपके पास अंडर रूट में वो स्क्वायर में, स्क्वायर हटाओगे जब आप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1.42d। जब आप a से c का स्क्वायर हटाओगे, ठीक है, तो ये a से c रह जाएगा सिर्फ, और 2d का स्क्वायर में आप देखोगे d का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का नहीं है, जब आप इसको अंडर रूट की वैल्यू में निकालोगे तो ये आपका आएगा 1.42, अगर आप 2 का स्क्वायर रूट निकालोगे 1.42 और d के पास स्क्वायर है तो ये आपका सिंगल d रह जाएगा, तो ये आ गया 1.42d। अब 1.42d आपका यहाँ पर आया है ये, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो क्लियर स्पान लिया है वो हमने इस पॉइंट तक ले रखा है ऑलरेडी, हमने यहाँ से यहाँ तक ले रखा है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्लियर स्पान हमने यहाँ से यहाँ तक ले रखा है तो ये वाला जो पार्ट है ए से बी वाला वो हमें इंक्लाइंड में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले से ही यहाँ से बार को बेंड करा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो आपको माइनस करना पड़ रहा है यहाँ पर। जब आप माइनस करेंगे तो 1.42d में से आप 1d यानी कि a से b जो है आपका वो है d, ठीक है, a से b जो है उसको आप d मान रहे हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1.42d में से d को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.42d। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो मैं इसको सारे को हटा के आपको दिखा देता हूँ, आप इसको लेकर चल रहे हो यहाँ पर, ठीक है, जबकि आप जा रहे हो ऐसे लेकिन आप यहां से यहां तक इसको ले रहे हो ऐसे क्लियर स्पान ले रहे हो पूरा, तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ये इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ रहा है आपका जो आपका हाइपोटेन्यूस है वो आ रहा है 1.42d और ये आपके पास d क्योंकि ये और ये दोनों सेम थे, तो यहां पर हमने ये d 1.42d में से माइनस किया तो 1.42 माइनस 1d तो 0.42d आपको मिलता है, वही 0.42d हमने यहां पर लिख रखा है 0.42d और मल्टीप्लाई बाई टू किया है क्योंकि दोनों साइड सेम रहेगा, तो यहाँ से आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, बहुत इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं आपका जो भी डायमीटर है जो भी क्लियर कवर है उसको आप यहाँ पर ले लें। एलडी मान लीजिए आपको 50d दे रखा होगा तो आप 50d लेकर के 2 × 2 कर दें, क्लियर स्पान में आप 8000 mm लेंगे, 0.42 × d, डी जो है वो डायमीटर ऑफ बार है वो आप ले लेंगे, मान लीजिए आपका 20 डाय का बार है बीम में तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई बाई टू, 2 × 2d जो डी यहाँ पर सारे हैं वो आपके डायमीटर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप जो ले रहे हैं देखिए ये डी जो है वो डायमीटर नहीं है, ये डी आपकी जो डेप्थ आ रही थी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो डी आपका डेप्थ है और यहाँ पर जो डी है वो आपका डायमीटर ऑफ बार है और यहाँ भी आपका डायमीटर ऑफ बार है, ये 0.42d में आपको ये वाला डी लेना है, ठीक है, तो डी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन रहा है। आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा कैसे आपको कटिंग लेंथ निकालनी है और ये बार्स हमारी कहाँ पर यूज़ की जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे रिएनफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच।